हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक ही होंगे? लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? तैयारी लॉकडाउन में आप बहुत अच्छा एक काम कर सकते हो, अपनी ऑडिशंस के लिए तैयारी कर सकते हो, डायलॉग्स याद कर सकते हो। जिसे कैमरा का डर है वो कैमरा भी डर भी निकल सकता है। ऑडिशंस के लिए थोड़ी स्क्रिप्ट याद कीजिए, और अपना SLR नहीं हो तो वीडियो से भी आप शूट कर सकते हो। वीडियो क्या अपना मोबाइल से भी शूट कर सकते हो, वो मोबाइल से शूट करके आप लोग देखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा ही बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी आपको, और आपका कैमरा का डर भी निकल जाएगा। तो दोस्तों आज से शुरू करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ऑडिशंस क्रैक कैसे करते हैं, तो आज के वीडियो में यही बताऊँगा मैं कि ऑडिशंस क्रैक कैसे करते हैं। दोस्तों शुरू करें तो उससे पहले मैं कह दूँ कि मेरी चैनल रंगीन राहे को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, बहुतों को दीजिए, उससे बहुतों को फायदा होगा। तो बहुत से जो कलाकार है वो उनको कुछ गाइडेंस मिलेगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी मुझे लिखिएगा। थैंक यू, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके मन में डर है वो निकाल दीजिए कि ऑडिशंस में क्या होगा, बहुत से लोग होंगे, मेरा क्या होगा, मुझसे बड़े बड़े लोग होंगे या मुझसे अच्छे कलाकार होंगे। ये कभी दिल में मत लाइए। आप छोटे नहीं हो, आप भी कलाकार हो, अपनी जगह पे सभी कलाकार सही होता है। और सबसे पहले आप भी कॉन्फिडेंट रहिए, और ये भी कहिए कि आपके जैसा कोई कलाकार नहीं। बस ये अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो फिर कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट बी कॉन्फिडेंस। क्रैक करना है ऑडिशंस तो सबसे पहले आप जैसे जाएंगे तो आपको ऑडिशंस की जो भी ऑडिशंस के लिए आपको स्क्रिप्ट देंगे वो स्क्रिप्ट पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्या कैरेक्टर है वो याद कीजिए, एक बार याद कीजिए, दो बार याद कीजिए, तीन बार याद कीजिए। समझो कि 10 लाइन है तो 10 लाइन एक साथ तो आप नहीं कर पाओगे, तो पहली लाइन एक बार याद कीजिए, एक दो बार वो याद कीजिए, दूसरी लाइन याद कीजिए, कहाँ कहाँ पे पॉज है वो भी देखिए। जैसे एक लाइन है कि रीना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी की वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि तुम जिस माहौल में रही हो वो माहौल में तुम्हें दे नहीं सकता। ठीक है, प्यार तो मैं तो करते रहूँगा, लेकिन प्यार तो अपनों के बराबर में होता है। आप ये जो इतना सही डालोगे समझिए, तो उसमें कहाँ कहाँ पे पोज देना है, क्या क्या करना है, कैसे इमोशंस लाने हैं, और यानी ये तो जस्ट आइडिया था, इमोशंस कहाँ लाने, कहाँ पोज देना है, कहाँ पे आवाज उठानी है, कहाँ पे बिठानी है, कहाँ पे रुकना है। रुकना भी एक, पोज देना भी बहुत एक बड़ी बात होती है, कहाँ पे पोज देना वो भी बड़ी बात है। जैसे समझ लीजिए किसी ने आपको कॉमेडी की स्क्रिप्ट दी, तो कॉमेडी में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। टाइमिंग पे यानी सामने वाला जैसे बोले और कहाँ पे आपको बोलना है, टाइमिंग का उसमें बहुत मेन होता है। तो कॉमेडी में आप टाइमिंग का भी ख्याल रखिए। तो डायलॉग्स पहले तो याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए जैसे आप फटाफट याद हो जाए, और वो लोग टाइम देंगे आपको टाइम देंगे कि चलो ऑडिशंस के लिए जो जो भी है टाइम देंगे। उस वक्त यहाँ वहाँ कहीं मत देखिए, सिर्फ अपने आप पे ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने डायलॉग्स याद कीजिए, और कुछ भी मत सोचिए। ऑडिशंस बहुत से होते हैं, बहुत से ये नहीं कि चलो आज हो गया तो अभी चलेगा, ये वो, ये कभी मत सोचिए। हमेशा यही समझिए कि ये ऑडिशंस आखिरी है, इसमें आपको पास होना ही। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सी तैयारियां करनी पड़ेगी। बहुत सी तैयारियां यानी डायलॉग्स कैसे बोलना, आपकी आवाज़ भी सुधारनी है, सब कुछ करना है। तो क्रैक करने के लिए ये है, तो पहले सबसे पहले हो सके तो कैरेक्टर या जो भी हो वहाँ पे ऑडिशंस लेने वाले, तो उनसे पूछ लीजिए कि ये क्या कैरेक्टर है उसका, ये क्या है, किस टाइप का सीन है, क्या क्या है, क्या क्या कैसे चलता है, क्या बोलता है, वो सब पूछ लीजिए। और वो हिसाब से आप सोचिए, पहले आप कलेक्ट कीजिए, दिमाग में डालिए कि ये मैं क्या इस टाइप का कोई कैरेक्टर है, या आपने कुछ देखा या कुछ फिल्में देखी है जिसमें आपने किया। लेकिन एक बात है, किसी की कॉपी मत कीजिए, आप कभी भी कॉपी मत कीजिए, खुद का दिखाइए।
क्योंकि कॉपी तो सभी लोग करते हैं और सामने जो आपका ऑडिशन ले रहा है वो भी समझ रहा है कि आप इसकी कॉपी करो, तो कॉपी ज़्यादा चलती नहीं है। नयापन चाहिए, नयापन चाहिए, कैरेक्टर भी नया हो, कुछ भी नया हो, तो नयापन दीजिए और दिल से दीजिए। तो इसके लिए पहले आप अपना मूड बना लीजिए, दिल से जाइए, दिल से बात कीजिए, दिल से हंसिए, सब कुछ मिलिए, सबसे मिलिए। दोस्तों ऑडिशंस यानी क्या? ऑडिशंस यानी आपके एक एग्ज़ाम है, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं वैसे ये एग्ज़ाम है। ये आप कैरेक्टर जो करोगे उसके बारे में वो डायरेक्टर तो चाहेगा कि आप कैसे करते हो, भले आप चेहरे से लगो तो भी वो चाहेगा कि डायलॉग कैसे बोलता है। तो इसके लिए एग्ज़ाम्स चाहिए, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम्स आपको दे दी है और उसे इस एग्ज़ाम में पास होना है। तो क्रैक करने के लिए तो तैयारी करके जाना ही पड़ेगा, जैसे एग्ज़ाम में हम पढ़ के जाते हैं वैसे तैयारी करके जाना ही पड़ेगा। तो जो कैरेक्टर के लिए आपको बुलाया उस कैरेक्टर के लायक कपड़े लेके जाइएगा, वो कपड़े होने ज़रूरी है तो थोड़ा और रियलिटी में लगेगा। और दूसरा तो ये है कि डायरेक्टर से पूछ लीजिए अगर किस टाइप का है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर अगर आप जान लोगे तो आप सही में दे जाओगे। तो क्रैक करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर 10 ऐसे भी कलाकार हैं जो आज बहुत बड़े बन चुके हैं, वो हमेशा पहले तो बहुत फेल हुए, वो ऑडिशंस में फेल हुए, फिल्मों के लिए सब लोग ने ना बोल दिया कि नहीं अपने अमिताभ जी है, उसके लिए तो ये बातें हुई थी कि अरे भाई इतना बड़ा लंबा आदमी कैसे चलेगा, आवाज़ भी एकदम गहरी आवाज़ है, इस टाइप का अपने को हीरो नहीं चाहिए, अपने फिल्मों में अपने बॉलीवुड में तो एकदम चिकना सा होना चाहिए, चिकने होने चाहिए, चिकना दिखना चाहिए और पेड़ के इर्द गिर्द ढूंढने वाला चाहिए। इतना लंबा कैरेक्टर है हमारा, लंबा कैरेक्टर है हमारा कुछ है भी, लेकिन उन्होंने पहली फिल्म उनकी आई थी बंदे हाथ या साथी दुस्तानी, उससे पहले आ गई थी लेकिन उसमें उस टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन सब लोग बोलेंगे कि ये इतना लंबा वाला आदमी नहीं चलेगा, तो भी वो नाराज़ नहीं हुए, ना वो नर्वस नहीं हुए, वो करते गए। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि उनके जैसा हीरो चाहिए ऐसा भी बोले जाने गया, ऐसी गहरी आवाज़ वाला चाहिए, हाइट वाला चाहिए, बॉडी वाला चाहिए, ये सब बात। तो ये पब्लिक को तो क्या है, अच्छे अभी आज ये देखिए नवाजुद्दीन से देखिए, उनकी हाइट तो बहुत कम है, 5 फुट 6 इंच 7 इंच जो भी होगी, लेकिन उनकी कैरेक्टर में जैसे घुस जाते हैं, कैरेक्टर में जो घुस के वो बताते हैं कैरेक्टर करके, तो वही काम आता है। यानी हमेशा जो ऑडिशन देते हैं वो ऑडिशंस में आप पूरा घुस जाइए, पूरा घुल जाइए, और उसके बाद देखिएगा कि बहुत ही प्यारा सा ऑडिशन हो जाएगा, सामने वाले को इम्प्रेस ऐसे कीजिए तो आप ही आप हैं। और ऑडिशन देते टाइम समझ लीजिए सिर्फ आप ही आप हो, क्योंकि कैमरा आप पे है तो आप मेन हीरो हुए ना, तो आप ही आप हो तो आप करके दिखाइए। दोस्तों ऑडिशंस दीजिए, ऑडिशंस क्रैक भी हो सकते हैं, ऑडिशंस क्रैक कीजिए, सब कुछ जानिए और सबसे मिलनसार रहिए, कहीं अपना एटीट्यूड का दिखाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो ऑडिशंस दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, भारत माता की जय, आगे बढ़िए, वंदे मातरम, आई लव यू।